पर भगवान शंकर को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? वो धतूरे का प्रमाण क्या कहता है? तो शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता के अंतर्गत महाराज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्यान वर्णन मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन असत्य बोलने में आता, उसके मुख से कई बार असत्य का संबोधन निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, असत्य निकल जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सबसे पहला धतूरा भगवान शंकर को अगर किसी ने समर्पित करा था तो ब्रह्मदेव ने करा था महाराज। और उसका भी प्रमाण है कि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। देखो कि आखिर भगवान के मंदिर के पीछे क्यों नहीं प्रणाम करते, तो उसका भी प्रमाण होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे तो आप बता तो सकते हो, केवल कथा के माध्यम से नहीं, आप उसको बता सकते हो कि ये कारण है। आप चंदन चढ़ा रहे हो तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि ये चंदन क्यों चढ़ाया। चावल चढ़ाया तो उसका कारण बताओ कि अग्नि पुराण में लिखा है कि अक्षत की महत्वता क्या है। बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो शिवलिंग का प्रमाण वर्णन करना पड़ेगा, लिंग पुराण को उठाकर बोलना पड़ेगा कि ये पार्वती का प्रतिबिंब है, ललिता जी का प्रतिबिंब है, सती का प्रतिबिंब है। एक एक चीज को आज के समय में अगर आप किसी को कोई राय दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये आपको यहाँ से इसका वर्णन है और आपको ये करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये कर्म है। तो शंकर भगवान को सबसे पहला धतूरा भगवान ब्रह्मा ने चढ़ाया था, जिस समय भगवान ब्रह्मा का सिर कट चुका था। अभी आप आके कथा सुनेंगे, ब्रह्मा का जब सिर कटेगा उसके बाद जब स्तुति करेंगे तो देखो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाएंगे। शिवजी उनको कहते हैं ब्रह्मदेव ये धतूरा आपने मुझे चढ़ाया है। और क्यों चढ़ाया? क्योंकि आपने असत्य बोला था, उस असत्य को नष्ट करने के लिए आपने मुझे धतूरा समर्पित करा। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है महीने भर में, दो महीने में, चार महीने में, छह महीने में, साल भर में, दो साल में, एक साल में कम से कम एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस दिन धतूरा समर्पित करो उसके पहले जितना समय निकला उसमें आपने अगर झूठ बोल भी दिया हो तो भगवान शंकर उसको नष्ट कर दें, इसलिए उस धतूरे का समर्पण होता है। एक हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात है कि प्राश्चित बहुत क्रम है महाराज। प्राश्चितता का भाव बताया कि आप ऐसा करोगे उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो उसका प्राश्चित ये है, आप कर सकते हैं उसका, उसका प्राश्चितता का भाव आप अमल कर सकते हैं, आप स्मरण कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए।